नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में जो आपको मैंने गुलाम वंश पूरा पढ़ा दिया था, खिलजी वंश मैं शुरू करने वाला था। तो खिलजी वंश शुरू करने से पहले जितने गुलाम वंश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक बार आपको क्विक रिविज़न करा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है गुलाम वंश को लेकर, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन, मैं सब क्वेश्चन के माध्यम से जितना मैंने पढ़ाया है वो सब बता दूंगा। और जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है शुरुआत से, वो शुरू से गुलाम वंश का एक एक लेक्चर देख डालो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वहीं से बने हैं। पूरा डिटेल आपको वहाँ से पता चल जाएगा, हर एक एक पॉइंट जो है पता चल जाएगा, हर एक एक बिंदु मैंने बताया है। गुलाम वंश के जितने भी आपके शासक हुए हैं, जितना भी उनका निर्माण कार्य है, जितने उनके दरबार में लेखक हुए हैं, सबके बारे में मैंने जिक्र किया है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, आपको ये जितने भी लेक्चर दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के तहत दिए जा रहे हैं, ठीक। अगर इन सभी के आपको अगर नोट्स चाहिए, प्लस आप प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो 499 रुपये का है और 3 महीने तक आपका वो वैलिड रहेगा, जिसे आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन में। जल्दी जल्दी मेरे साथ, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा लगाऊंगा, आपको तुरंत उसका आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत से आसान है, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है गुलाम वंश है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे अब खिलजी पढ़ाना था। तो पढ़ाने से पहले खिलजी कम से कम आपको प्रैक्टिस करा दूं गुलाम वंश पे, ताकि आपको जो भी पढ़ चुके वो पूरा रिवाइज हो जाए। चलिए, तो आंसर कमेंट में देते रहिएगा मेरे साथ साथ, मैं जूम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है, खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। क्योंकि मैंने यहीं पर एंड किया था बता के कि कौन आता है, आप आंसर कमेंट कर दीजिए, उसके मैं बताता हूँ डिटेल में कि यहीं पे मैंने एंड किया था, बोला था कि खिलजी वंश हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपसे यहीं से क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिया हूँ कि खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था, आंसर सभी लोग कमेंट में दे दो। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका जो आंसर होगा आपका कौन था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, ठीक है। यही क्या करता है, जो बोला जाता है कि क्यूमर्स आपका था, उसको मारकर 3 साल के जो क्यूमर्स होता है, उसको जो तुर्की सरदार होते हैं वहाँ के राजगद्दी पर बैठाते हैं दिल्ली सल्तनत के, और कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद से जलालुद्दीन फिरोज जो है खिलजी जो है उसको मारकर गद्दी पर बैठ जाता है। और यही कैकुआबाद का क्या था, ये कैकुआबाद का अगर बात करें, कैकुआबाद का, तो उसके समय में ये जलालुद्दीन जो था एक अच्छी पोस्ट पर, मतलब उसका अंगरक्षक और सिपाहियों का जो होता है प्रमुख रहता है, ठीक। तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप लोगों को इसका आंसर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। सभी लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दो भाई। शुरुआत क्वेश्चन है, दिल्ली में खिलजी वंश का शासनकाल माना जाता है। अब कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, या क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने जब पहले शुरू किया था आपको दिल्ली सल्तनत, तो उसमें बताया था कि दिल्ली सल्तनत में ये लोग, मतलब इतने इतने वंश जो हैं आपके शासन करेंगे, उसी समय मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया था। तो टाइम पीरियड अगर याद हो, पहला लेक्चर आपने सही से देखा होगा, तो इसका आंसर करेक्ट आप लोग जो है कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आपका, 1290 से लेकर 1320। क्योंकि पहला जो वंश आता है आपका दिल्ली सल्तनत में, वो कौन आता है, गुलाम वंश आता है, जो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। 87 में आपके बलबन, 86-87 में बलबन की मृत्यु हो जाती है, और 87 से लेकर 90 में जो आपका कैकुबाद आता है, और कैकुबाद उसी 90 में ही बोला जाता है उसे भी मारा है, लकवा मार देता है वो, उसके बाद लकवा मार देता है तो प्रशासन चला नहीं पाता है, तो उसके बाद क्यूमर्स जो है आपका आता है अपन चलाने के लिए, तो वो आपका गुलाम वंश था 90 तक। 90 के बाद ही खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है, और जो 1320 तक आपका जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सभी लोग आंसर कमेंट करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यह मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था, तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना आंसर दीजिए। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, किस सुल्तान को गुलाम का गुलाम या गुलामों का गुलाम बोल सकते हो, किसे कहा जाता है, आंसर आ जाना चाहिए सबका। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका अल्तमस। अब सोचोगे इसमें अल्तमस कौन था, सर ने अल्तमस के बारे में तो बताया नहीं। अल्तमस को ही इल्तुतमिस बोला जाता है भाई, इल्तुतमिस को ही नाम जो था अल्तमस बोला जाता था, तो इल्तुतमिस ही कौन था, गुलामों का गुलाम था। जब मैंने इल्तुतमिस के बारे में पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि इल्तुतमिस को क्या बोला जाता, क्योंकि वो ऐबक का गुलाम था, ठीक है, और गोरी जो का जो गुलाम था वो कौन था, ऐबक था, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिस, और उसका दामाद भी था, ठीक, और कहाँ का इक्तादार रहता है ये,
बताओ, यूपी में बदायूं का इकतादार रहता है, तो ये जो है आपका अल्तमस ही गुलामों का गुलाम इसे बोला जाता था। इसे और क्या, इससे रिलेटेड क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछता था, पूछ सकता है कि आपका वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दे गुलाम वंश का कौन था, तो कौन होगा, यही अल्तमस मतलब इल्तुतमिस। ठीक इसी को पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की जो है उपाधि मिली थी। इसी ने टाका और जितल जो है आपके दो सिक्के चलाए थे, जो टाका था आपका चांदी का था और जितल जो था वो आपका तांबे का सिक्का था। ठीक इसी के समय काल में ही आपका क्या चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। चंगेज खान जो है जिसका नाम आप लोग, मैंने बताया था चंगेज खान की स्टोरी भी आपको बताई है, तो जो लोगों ने लेक्चर नहीं देखा देख लो, बहुत मजा आने वाला है, जो प्रीवियस मैंने लेक्चर कराया है सभी देख लो, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था। जो चंगेज खान का आपसे अगर रियल नेम पूछ ले क्वेश्चन में कि चंगेज खान का रियल नेम क्या था, तो तेमुचिन उसका नाम था। वो किस समय भारत पे आक्रमण किया था, वो 1224 के आसपास में भारत पर जो है जब इल्तुतमिस आता है गुलाम वंश का, उस समय वहां आता है सिंध के पास, किसका, जो ख्वारिज्म के राजकुमार होते हैं उनका पीछा करते हुए आपका सिंध तक वो आ जाता है। उसके बाद इल्तुतमिस को बोलता है कि भैया जो ख्वारिज के राजकुमार आए हैं उनको अपने मतलब अंदर अपने राज्य में ना प्रवेश करने देना, उन्हें छिपाना मत, नहीं तो बहुत परिणाम जो होगा बुरा होगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोला दिल्ली में गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही आपको पढ़ाया है कि किस वर्ष में दिल्ली जो है आपके गुलाम वंश के जो एक तरह से बोला जाए जो क्रूर रूलर थे, सबसे क्रूर जो शासक था गुलाम वंश का बलबन, जो मेन शासक, बोल बाकी तो कैकुबाद और क्यूमर्स तो थे ही, मेन जो शासक था, इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसके जब बड़ा पुत्र मर जाता है तो 1287 या 1286 आपको जो भी ऑप्शन में मिले वो आपको सही करना है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1286 मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी दिखाया दे रहा है तो 86 होगा, अगर आपको 87 मिलता है तो 1287 भी इसका आंसर अगर ऑप्शन में रहता है तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आपको किताबों में ये डेट अलग अलग मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट रूलर पे जब जाओगे गुलाम वंश के तो वहां पे भी सभी किताबों में अलग अलग किताबों में आपके जो है अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। बड़े पुत्र के मरने के गम में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, महमूद की मृत्यु हो जाती है जब वो मंगलों से आक्रमण करता है 1285। मैंने ये सब प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि 1285 में मंगोलों का आक्रमण होता है, उसी को जब रोकने महमूद जाता है, क्योंकि वो लाहौर के साइड में तैनात रहता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है, जब समाचार सुनता है, तो बलबन उस समय राजदरबार में जो है अपने मंत्रियों से विचार करता रहता है, तो जब उसे ये खबर मिलती है कि सुल्तान आपके जो बेटे हैं बड़े उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो वहाँ मतलब जो माहौल बनाए रहते हैं बलबन की राज दरबार में वेल मेंटेन रहना, कोई हंसेगा नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, तो वो अपने अंदर से कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं क्योंकि पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो कुछ दुख प्रकट करें। बाद में जैसे ही दरबार खत्म होता है, जब अपने कमरे में जाते हैं तो खूब फूट फूट के रोते हैं। तो ये उनके 87 में जो है मृत्यु 86 में हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे 86 डेट हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, सभी लोग कमेंट कर दो इसका आंसर भाई। ये जितना डिटेल है मैंने इसके बारे में जो डिटेल अभी पढ़ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो डिटेल है आपको पूरा का पूरा लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा। निम्न में से दिल्ली में गुलाम वंश के शासक हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन कौन गुलाम वंश के शासक हैं। पहला है अल्तमस, तो इसे कंफ्यूज ना होना, इल्तुतमिस ही बोला जाता है। ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है बोला उपरोक्त सभी जितने हैं सभी गुलाम वंश के शासक है। तो सभी जानते हो कि पहले ऐबक आते हैं, उसके बाद इल्तुतमिस आते हैं, उसके बाद से रजिया आती है, आता है, ठीक, तो उसी में लास्ट में आपके बलबन भी है, मतलब ये सब किसके हैं, गुलाम वंश के शासक हैं, जिनके जिनके बारे में मैंने आपको सबको पढ़ा दिया है कि पूरे हर एक शासक के बारे में एक एक लेक्चर मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा डिटेल के बारे में। तो जो ऑप्शन डी दिए हैं उनका क्या है, ये सही है। तो ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है दिल्ली की महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी। मैंने आंसर सही कमेंट करेगा, क्या होगा इसका आंसर कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताइए आप लोग सभी लोग। बोल रहा है बहराम खां अल्तुनिया नामक सरदार से, जलाल खां, इनमें से किसी भी से भी नहीं, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर यह होगा बच्चों कि मैंने आपसे बताया था कि इसका एक प्रेमी रहता है याकूत, उस वो आपका क्या रहता है अफ्रीका का, इथोपिया का जो होता है वो एक दास रहता है, उसको ये इसने अमीर आखुर का पद जो है दी रहती है। ठीक,
तो उससे तुर्क सरदार जो है क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और उसकी नजदीकियों जो रजिया सुल्तान और याकूत के बीच की जो नजदीकियां होती हैं वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है, जो आपके चालीसा होते हैं। ठीक, इसी वजह से क्या करते हैं, और अल्तुनिया भी उनका बचपन का प्यार रहता है, मैंने आपको बताया था, तो ये भी देखता है याकूत और रजिया के बीच में कुछ ज्यादा ही संबंध है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, गुस्सा हो जाता है भाई, उसे बचपन का ही क्रश रहता है, तो अल्तुनिया विद्रोह कर देता है, चलीसा के बहकावे में भी आ जाता है, और उसी विद्रोह को जब ये दबाने जाती हैं भटिंडा में, अल्तुनिया जो है भटिंडा का सरदार रहता है, तो उसी समय वो हार जाती हैं उसे अल्तुनिया से, और उसे अल्तुनिया जो है कैद कर लेता है और याकूत को तो मार ही देता है। जब अल्तुनिया उसे कैद कर लेता है तो रजिया कहते हैं मुझे दिल्ली की जो है गद्दी चाहिए, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए और हम दोनों लोग मिलकर कहाँ दिल्ली पर अटैक करेंगे और वहाँ की गद्दी हम ले लेंगे। क्योंकि जब इसे वो भटिंडा पे आक्रमण करने आती है तो उनका जो भाई रहता है बाराम सा, ठीक है, वो क्या करता है, गद्दी पे बैठ जाता है, उसे चलीसा जो है तुर्क जो सरदार होते हैं अमीर, वो उसको बाराम सा को दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पे बैठा देते हैं। तो वही अल्तुनिया से शादी कर लेती हैं, यही इनका पूरा लेखा जोखा है, मैंने रजिया सुल्तान में सब कुछ बताया है आपको डिटेल में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन जिसका बी है वो करेक्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली में किस गुलाम शासक ने 40 अमीरों और सरदारों का एक दल बनाया था। ठीक है, जो चलीसा मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूं कि चलीसा का दल जो बनाया था तुर्क ए चहलगानी, वो किसने बनाया था, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, नसीरुद्दीन, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमस। अल्तमस हर जगह मैंने यूज किया है, अल्तमस मतलब इल्तुतमिस, तो कंफ्यूज ना होना, इसके बारे में मैंने बताया था, इल्तुतमिस जो मैंने पढ़ाया था तो आपसे बताया था कि इल्तुतमिस ने ही चलीसा का गठन किया था। क्यों किया था इल्तुतमिश ने चलीसा का गठन, क्योंकि जो ऐबक के तुर्क थे वो अलग गुट बना के रहते थे, जो गोरी के जो आपके सरदार थे वो अलग रहते थे, तो इसको लगता था कहीं मेरी सत्ता चल ना जाए, तो इसने क्या किया, इसके अंदर जितने भी गुलाम आते थे उसको क्या किया, 40 लोगों का एक कैबिनेट बनाया जिसे बोला जाता तुर्क ए चहलगानी उसी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट कर दो। बोला दिल्ली का प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में पूछ रहा है, ये किसकी पुत्री थी। पहला है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमस, मोहम्मद गोरी और बहराम खां। तो बहराम खां की तो ये बहन थी, मोहम्मद गोरी का तो यहां से ताल्लुक ही नहीं है गुलाम वंश से, तो कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की ये क्या थी, नातिन थी, ना कि इनकी बेटी थी, क्योंकि इन्हीं की जो बेटी थी उन्हीं से इल्तुतमिश का जो है शादी हुआ था, तभी बोला जाता है कि उनका दास भी था और दामाद भी था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिस की जो ये पुत्री थी अल्तमस की, इल्तुतमिस का ही नाम था अल्तमस, उसी की जो है रजिया सुल्तान पुत्री थी। तो जब आपका इल्तुतमिस की मृत्यु हो जाता है और दिल्ली सल्तनत को संभालने की बारी आती है, तो उसमें जो तुर्क सरदार होते हैं वो कुछ दिन के लिए रुकनुद्दीन को सुल्तान बना देते हैं, फिर बाद में रजिया जो है जनता के सपोर्ट से और वहां के कुछ तुर्क जो सपोर्टर होते हैं इसके अमीरों के, उसे हटाकर जो है अपने सुल्तान बन जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमस, दिखाना यहां पे इल्तुतमिस की मृत्यु कब हुई थी, जब ये अपना लास्ट, कमेंट करके आंसर बताओ तो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमस की मृत्यु कब हुई थी, 1230, ऑप्शन है 1217, 1236, 1225। तो जब ये लास्ट अपना अभियान करते हैं 1235 में अफगानिस्तान के खिलाफ, तभी इनका तबीयत जो है बिगड़ जाता है और जब वापस आते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उन्हीं की मृत्यु के बाद ठीक रजिया को, मतलब ये तो पहले ही जब 31 में आपके ग्वालियर पे अटैक किए थे तभी रजिया को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे, मगर कुछ तुर्क अमीर जो होते हैं जो आपके चलीसा होते हैं उन्होंने क्या, नहीं एक लड़की जो है हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती, इसी वजह से किसको, रुकनुद्दीन को कुछ दिन के लिए सुल्तान बनाते हैं। और ये 1236 में इनका जो है मृत्यु हो जाता है, और इल्तुतमिस के बारे में बोला जाता है कि इल्तुतमिस ही आपके क्या जो इंडिया में मकबरा का जो प्रथा चली थी, मकबरा के जन्मदाता इनको बोला जाता है इल्तुतमिस को। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे अगर कि मकबरा के जन्मदाता कौन थे, तो इल्तुतमिस थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1236 के बाद आपका 1240 तक रजिया सुल्तान ही आती है, और इसी के बीच में रुकनुद्दीन आता है 5 से 6 महीने के लिए शासन करने। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, सभी लोग आंसर कमेंट कर देना जल्दी से जल्दी। बोला कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक
ने करवाया था। क्वेश्चन पे ध्यान देना, बोला है निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था, ठीक है, शुरुआत नहीं पूछा है आपका, ठीक, आपसे पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके जल्दी बताओ। बोला रजिया सुल्तान ने, बाबर ने, अलाउद्दीन मसूद ने, अल्तमस ने, ठीक। तो देखो बाबर तो यहां आएगा नहीं, ये तो मुगल वंश के हो गए, ये तो ऑप्शन आपका पहले ही कैंसिल हो गया। बाकी जितने मेरे लेक्चर देखे होंगे सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और उनका सही होना चाहिए, अगर उनका गलत हो गया तो समझ लो भैया पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्तमस होगा, इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था। शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपने किस एक सूफी संत रहते हैं उनकी याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, जिसे जो फिनिश किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करो जल्दी से जल्दी भाई। दिल्ली में गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है, गुलाम वंश का अभी मैंने आपसे खिलजी पूछा था, उसके बाद से गुलाम वंश का उसी समय मैं जिक्र किया था कि गुलाम वंश का शासक कब से कब तक होता है, ठीक। जैसे मोहम्मद गौरी जो है आपका तराइन का सेकेंड युद्ध जीतता है पृथ्वीराज चौहान से, तो अपने तीन जो है गुलाम को पूरा का पूरा यहाँ का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। ऐबक को कहता है भैया तुम दिल्ली संभालो, उसके साथ जो एल्दोज होता है और एक कुबाचा होता है, वही एल्दोज जब ऐबक की मृत्यु होती है तो किस पे, दिल्ली पे सुल्तान बनने की राह से आक्रमण करने आता है, और वही तराइन का तीसरा युद्ध होता है। दो युद्ध तो हो ही गए थे, मोहम्मद गोरी ने ही लड़ा था, ठीक है। तीसरा युद्ध एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में होता है राजगद्दी के लिए, कब, 1215 में, उसी को तराइन का तीसरा युद्ध बोला जाता है। अगर डिटेल में आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ऑप्शन दे दे, तो आप जो ऑप्शन रहेगा इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच वही आंसर मारना। तो अभी आपसे शासनकाल पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन बताओ, 1260 से 1390, 1050 से 1110, 1106 से 1290, 1206 से 1290 क्या होगा। सभी लोग जान रहे हो कि लास्ट में मैंने बलबन जब पढ़ाया था तो कहां खत्म किया था, 1290 में किया था, और 1206 से शुरू किया था। 1206 में कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसी को लाहौर बुलाकर, जैसे ही गोरी की मृत्यु होती है लाहौर बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया जाता है, और उसने अपनी जो राजधानी ऐबक पहले बनाता है वो लाहौर बनाता है, बाद में उस लाहौर से राजधानी ट्रांसफर करके दिल्ली कौन लाता है, इल्तुतमिश लाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ऐबक जो है सुल्तान बना था, एक तरह से सुल्तान की तो उपाधि इसने लिया नहीं था, राजा बना था गुलाम वंश का, उस समय इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था, लाहौर में बनाया। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण जो है राजधानी का कौन करता है, इल्तुतमिश करता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इसका आंसर आप लोग बता देना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दो। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, पूरा जिक्र कर दिया कि तीन लोगों को था, उसी समय एक बख्तियार खिलजी भी था आपका, वो कहां चला जाता है, बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ जो है आक्रमण करने निकल जाता है, वहां पे लक्ष्मण सेन पे आक्रमण करता है, उसके बाद से आपका बिहार में चला आता है, पूरा नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय किसने जो है ध्वस्त किया था, तो कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, वो भी किसका, गोरी का ही गुलाम होता है, और इसी के जो है ऐबक के समकालीन में वो वहां पे जाता है। तो इसका क्या होगा भैया, किसको अपना नियुक्त किया था, दिल्ली का सब कुछ देखभाल किसे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, ऑप्शन बी जो जवाब दिए हैं वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सभी लोग आंसर कमेंट करते जाना। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13, बोला दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है, तो कौन था भाई, अन्ना जी चौहान, ऑप्शन बी है आपका पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है अनंग पाल दिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कमेंट करो इसका क्या होगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जिन लोगों ने दिया है वो सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। भाई गुलाम वंश का पहला शासक कौन था दिल्ली में, दिल्ली का सब कुछ किसको, मोहम्मद गोरी ने सौंप के गया था, मैंने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आपसे रिपीटेड कई बार पूछा है, एक ही चीज को घुमा घुमा के पूछा है कि पहले दिल्ली, गोरी ने दिल्ली को, दिल्ली के लिए किसे नियुक्त किया,
उसके बाद से पूछ दिया गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, वास्तविक संस्थापक पूछ देता है तो इल्तुतमिश हो जाएगा। यहाँ पे आपसे गुलाम वंश का संस्थापक से पूछे तो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद से कौन आता है, आराम शाह आते हैं कुछ दिन के लिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार। उसके बाद से इनका जो दामाद आता है वो आराम शाह को मार देता है और इसके बाद अल्तमस जो है इल्तुतमिश दिल्ली पे बन जाता है और उसी को बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान की उपाधि मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके बारे में पूरा हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल जो है आपके लेक्चर में बताया है, वहां से डिटेल जब जानना हो आपको तो वहां चले जाना। अभी मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे बोला है दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि किसने लिया था मैंने आपको बताया, आप जब पढ़ोगे आंसर कमेंट करो, मैं फिर मैं बताता हूं, पता चले मैं पहले बता दूं फिर बाद में तुम लोग आंसर कमेंट करो, आंसर सबका आ जाना चाहिए, पहले आंसर कमेंट करो। तो चलो अब देखते हैं इसका आंसर, लाख बख्श की उपाधि किसने दिया था, तो ऑप्शन सी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, क्योंकि इसी ने काफी लोगों को काफी दया की था ना, दया करता था काफी लोगों पर, जितने भी लोग कैद थे इसके काल में इसको रिहा कर दिया था, तो इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। और क्या कहा जाता था, कुरान इसे रटा रहता था तो कुरान खा भी कहते थे कुछ लोग। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श और कुरान खा की उपाधि दी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लेगे कि यहाँ चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो यही भाई साहब थे जो घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मकबरा कहाँ है, लाहौर में है, क्योंकि लाहौर में ही मरे थे। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन अगर आता है आगे तो उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर कमेंट कर दो फटाक देश का आंसर कमेंट करो भाई। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पे कौन बैठता है, तो ऑप्शन जैसा होगा उस हिसाब से आप लोग आंसर देना, क्योंकि आराम शाह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ दिन के लिए आराम शाह आता है, तो आराम शाह जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक, पूछा था इसमें कि दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठता है, तो इल्तुतमिश मत मार देना। मैंने आपको बताया कि उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, लाहौर में उसका राज्याभिषेक कराया जाता है, लाहौर के जो तुर्क होते हैं उसके समर्थन में आते हैं, फिर बाद में जो दिल्ली के तुर्क होते हैं वो किसको बुलाते हैं, इल्तुतमिश को बुलाते हैं। तो उनके यही सुन के वो क्या करता है, आराम शाह वहां से आता है और इल्तुतमिश के बीच में इन दोनों की दिल्ली के आसपास लड़ाई होती है 1210 में, जहां आराम शाह जो है हार जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। ठीक, तो आराम शाह नाम का व्यक्ति है बनाई से, इतिहासकार जो है कुछ लोगों की विवादित है, मगर बनता है 5 या 6 महीने के लिए दिल्ली सल्तनत का राजा, एक तरह से बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यही आपका गुलाम वंश का राजा बनता है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सभी लोग कमेंट कर देना उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ढाई दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है, किसने बनवाया था, किस शहर में स्थित है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। कहाँ है भाई, मैंने पढ़ाया पूरा डिटेल लेक्चर में आपको, ये बताया है कि किस जगह पे ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसने सही दिया, जिस लोगों ने आंसर बी दिया है वो करेक्ट हो, इसका मतलब उन्होंने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा है। अजमेर में संस्कृत आपका विद्यालय होता है, उसी को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनवाता है, ढाई दिन का झोपड़ा बनवाता है। ये क्या होता है, एक मस्जिद होता है। ठीक, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी दिल्ली में इसने बनवाया था। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन महमूद ने किस सुल्तान को उलुग खा की उपाधि प्रदान की थी। जब मैंने आपको रजिया सुल्तान पढ़ाया है जिस लेक्चर में, उसमें पूरा डिटेल में बताया है, क्योंकि उसी समय रजिया के साथ ही बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह और आपके ये महमूद शाह को भी मैंने उसी समय पढ़ा दिया था, क्योंकि इनका बहुत खासा रोल नहीं रहता है, तो इसके बारे में मैंने आपको उसी रजिया सुल्तान वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बहराम शाह, इल्तुतमिश या आराम शाह या बलबन, क्या होगा इसका आंसर, किसे उलुग खां की उपाधि दी गई थी। तो उलुग खां की उपाधि किसे दी गई थी, बलबन को दिया था। किसने दिया था, नसीरुद्दीन महमूद ने
उलुग खां की उपाधि दिया था किसको, बलबन को दिया था, और बलबन ने ही अपनी बेटी का ब्याह किसे, नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया था, और लास्ट में नायब ए मुमलिकात का पद ले लिया था। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा, जब नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान थे जिस समय दिल्ली में, उस समय पूरा का पूरा जो है राजा की तरह वर्क करने वाला कौन था, बलबन था। सिर्फ कहा जाता है कि नाम से ये सुल्तान नहीं था, मगर सब कुछ इसी जो ये कहता था वही चलता था राज्य में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो और आंसर कमेंट करो। बोल रहा है तुर्कान ए चारगानी संगठन का अंत किस सुल्तान ने किया था, जो चलीसा था आपका उसका अंत किस सुल्तान ने किया था। ऑप्शन ए है रजिया बेगम, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी है आराम शाह। क्या होगा आंसर कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने। आंसर क्या होगा इसका, बलबन मैंने पढ़ाया है उसमें आपको सब बताया है कि कैसे उससे जब बलबन सुल्तान बनता है तो उसे क्या क्या समस्याएं से जूझना पड़ता है। एक तो इसकी चलीसा की महत्वाकांक्षा मैंने बताया था, और जो सुल्तान का पोस्ट कम हो गया था कि वो लोग कठपुतली हो गए थे चलीसा के हाथ के, तो उसको कैसे स्थापित करना है सुल्तान के पोस्ट को, उसके लिए उसने कितनी क्रूर नीतियां अपनाई, सब मैंने बताया है। बलबन वाला आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा प्रीवियस, उसमें सब मैंने बताया है। क्या होगा इसमें आंसर, बलबन होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा। बलबन ने ही पहले जैसे ही सुल्तान बनता है वो क्या करता है, जो चलीसा बनाया गया होता है इल्तुतमिश के द्वारा उसे समाप्त कर देता है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, किंग मेकर का काम करते थे। तो उसे डर लगता है कि अगर ये जिंदा रहे, ये चलीसा चलती रही, तो ये मुझे भी हटा सकती है और दूसरे को किंग बना सकती है। तो इसलिए बलबन ने क्या किया, उसका दमन कर दिया, उन्हें हटा दिया। और कैसे किया, उनमें से कुछ लोगों को मृत्यु दंड दे दिया, कुछ लोगों को सजा दे दी। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए है आपके पास बलबन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बहराम शाह, ऑप्शन डी है रजिया बेगम। किसने किया था, जिसने प्रीवियस लेक्चर दिया होगा इसका आंसर सही कमेंट करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। इसने सुल्तान का जो पोस्ट मैंने बताया ना कि उसकी जो गरिमा कम हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए इसने जितने भी ईरानी दरबार में जो भी चीजें होती थी, क्योंकि अपने आप को ईरान के ही वंशज का बताता था, बड़े वंशज के ईरान का बताता था, तो इसीलिए वहां की जितनी भी परंपरा होती थी सबको कॉपी पेस्ट करता था अपने दरबार में। तो उसी की परंपरा थी एक, कौन सी, सिजदा और पैबोस। ठीक है, इसमें क्या होता था, आपको सिजदा में आपको जब भी सुल्तान के सामने आना है, ठीक है, तो घुटने पे बैठ के सुल्तान से बात करने आए। पैबोस मतलब आप लेट कर उसके पैर के अंगूठे को चूमना है सुल्तान के, मतलब जब भी आप राज दरबार में आओ, सुल्तान के सामने आओ, तो ये सब दोनों जो है करना होता था। जब भी कोई व्यक्ति उनके सामने आता था, चाहे वो न्याय से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो कि मुझे न्याय चाहिए, तब पहले सुल्तान के पास गए, तो सुल्तान के पास पहले झुकोगे, उसके बाद उसे नमन करोगे, फिर जाओगे सुल्तान के अंगूठे को चूमोगे, तब जाकर सुल्तान तुमसे प्रसन्न होता था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, गुलाम वंश का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौ की नीति का पालन किया था। ठीक, ऑप्शन है आपके पास आराम शाह, रजिया बेगम, इल्तुतमिश, बलबन। क्या होगा इसका आंसर सही कमेंट करो भाई सभी लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बलबन। इसी ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाया था, मैंने जैसे बताया कि आपको इसे लगता था कि जो सुल्तान का जो पोस्ट है उसकी जो गरिमा है वो कम हो गई है, तो उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए कि सुल्तान से सब लोग डरें, ऐसा ना सोचे कि सुल्तान एक कठपुतली है चलीसा का हाथ जैसे पहले होता था, इससे पहले रजिया के समय में, बहराम शाह के समय में, महसूद शाह के समय में, कि ये लोग किंग मेकर का काम करते थे, खाली वो बना दिए उनको सुल्तान, तो वो सुल्तान बन गए हैं, उसके बाद सब काम कौन करता था, जो उनके अमीर तुर्क होते थे। ठीक, तो ऐसा नहीं, ये कहता था कि सुल्तान ही सब कुछ है। ये यहां तक ये भी कहता था कि जो आपके अल्लाह हैं उसके बाद सुल्तान का ही पोस्ट होता है। इसीलिए ये जो बलबन था सुल्तान जब बना, तो बोला कि मैं ही जो है अल्लाह के बाद यहाँ पे जो है एक तरह से अल्लाह का प्रतिबिंब हूं। ठीक, जिल्ले इलाही ये पद आपका उपाधि धारण किया था उसने, नियाबत एक खुदाई और जिल्ले इलाही। ठीक,
तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बलबन होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसके पूरा डिटेल आपको जानना है हर एक उसके बारे में, तो आप लोग पूरा डिटेल वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सब कुछ सबके बारे में बताया कि क्या क्या टाइटल था, क्या कौन उपाधि धारण किया था। ये तो मैं आपका रिविजन पर्पज से करा रहा हूं कि अभी तक जितना मैंने गुलाम वंश पढ़ा दिया तो उसमें कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या पूछे गए हैं अभी तक। वो पैबोज और सिजदा वाला तो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है हर एक एग्जाम में। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर कमेंट करिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, क्यूमर्स, कैमूर्स लिखा, रजिया बेगम। क्या होगा इसका ऑप्शन जो है सही, कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग। तो जहां आपको मैंने बोला अगर मिलता है क्यूमर्स, ठीक है, वही आपका सही होगा, ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, सही होगा। तो यहां हमने बोल देना सर यहां लिखा है कैमूर्स, आपने पढ़ा है क्यूमर्स, तो ठीक, तो ये प्रिंट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कैमूर्स नहीं मिलता है। कहीं कहीं आप देखोगे अंग्रेजी वाली किताबों में तो यही लिखा हुआ मिलता है, तो उसी को हिंदी में लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो ऑप्शन जो है आपका सी होगा सही, और अगर ऑप्शन में कैकुबाद रहता है तो वो सही होगा, तो उस समय आपका ये नहीं होगा, क्यूमर्स जो है ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। उस समय आपका अगर दे दिया इल्तुतमिश, बलबन, कैकुबाद और रजिया बेगम, तो आप क्या मारोगे, कैकुबाद को ही मारोगे। तो जहां ये दोनों में से जो उपलब्ध है, दोनों साथ भी हैं ऑप्शन में, तभी भी किसे प्रेफर करोगे, क्यूमर्स को ही प्रेफर करना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कुतुब मीनार का नींव किस शासक ने डाली थी? मैंने अभी बताया जब इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन आया था कि इसका पूर्ण निर्माण किसने कराया था, आंसर कमेंट करो भाई। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया बेगम। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। मतलब शुरुआत कुतुब मीनार का किसने किया था, कुतुबद्दीन ऐबक ने किया था, इनके एक जो है गुरु थे उन्हीं के याद में इसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य शुरू किया, मगर वो पूर्ण नहीं कर पाया तो उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो इस पे दो क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको दोनों करा दिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लो भैया चंगेज खान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आंसर कमेंट कर दो। बोला चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो। किसके शासनकाल में चंगेज आया था? मैंने आपको बताया जब इल्तुतमिश पढ़ा रहा था उस समय चंगेज खान की पूरी हिस्ट्री आपको बताई, आप लोग इल्तुतमिश वाला लेक्चर देख लीजिएगा कि चंगेज खान कैसे कबीले से निकलकर, उसकी भी जो कहानी मैंने आपको बताया कितना दुखद कहानी होती है, कैसे ये इतना बड़ा शासक बनता है, सब कुछ मैंने इल्तुतमिश वाले लेक्चर में बताया है। तो यही आता है इसका, ख्वारिज्म का यह राजकुमार रहता है जलालुद्दीन, इसी का पीछा करते हुए सिंध तक आता है, और जब ये अंदर आने की कोशिश करता है तो इल्तुतमिश इसे बाहर ही सिंध के बाद से ही लाहौर के पास से ही खदेड़ देता, कहता है भैया तुम ना आओ नहीं तो चंगेज खान हमें बर्बाद कर देगा। तो किसके समय काल में हुआ था? इल्तुतमिश के समय काल में हुआ था चंगेज खान का आक्रमण जो सिंध के आसपास, तो किसमें हुआ था? इल्तुतमिश का। चंगेज खान का आपका वास्तविक नाम पूछ ले तो अभी मैंने बताया पीछे एक क्वेश्चन आया था, क्या था? तेमुचिन नाम था इसका। चलो ये क्वेश्चन पूछा है कि चंगेज खान का रियल नेम क्या था, तेमुचिन, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गंड मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ में आया हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन है आपके पास कुतुबद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन खुसरो। क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट करिए। इसका आंसर होगा सी, बलबन। बलबन ने ही अपने आप को जो है क्या बताया है, खलीफा का सहायक बताया है, ठीक। तो ऑप्शन इसका सी जो होगा सही होगा। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में, तो इनसे ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बाकी जो डिले आपका डिटेल है वो सब मैंने लेक्चर में एक एक लेक्चर, हर एक जो राजा है गुलाम वंश का, सब पे एक एक लेक्चर मैंने दिया, कम से कम 20 से 30 मिनट का है, सभी लोग डिटेल उसे देख लो। जो भी अगर कुछ डिटेल इससे पूछता है तो वहां से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दिया, अब हमें बढ़ना है कहाँ, खिलजी वंश के बारे में बढ़ना है। तो हम लोग अगले सेशन में खिलजी वंश पढ़ेंगे, ठीक। तो सभी लोग इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, धन्यवाद।